everybody. This is Brijesh here, and you are watching CABA Infoventry. The global de-dollarization trend is gaining momentum. दुनिया भर के देशों ने अमरीकी डॉलर से बाहर निकलने के लिए तेजी से कार्रवाई की है. हियर इज द रनडाउन. सऊदी अरेबिया ने चाइना लेड सिक्योरिटी ब्लॉक में शामिल होने के निर्णय को एक्सेप्टेंस दे दी है, जिससे कि देश के साथ इट स्ट्रेंथ स्टाइज एंड मूव्स इट अवे फ्रॉम यूएस इंटरेस्ट. चीन और ब्राजील ने डॉलर को कम करने और अपनी मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौता किया है. चीन और फ्रांस ने डॉलर के अगेंस्ट युआन में अपना फर्स्ट लिक्विड नेचुरल गैस ट्रेड सेटल किया है. आसियान मेंबर्स के बीच एक मीटिंग में, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, द टॉप आइटम ऑन द एजेंडा वॉज ए डिस्कशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर एज वेल एज द यूरो, येन एंड ब्रिटिश पाउंड इन फेवर ऑफ सेटलमेंट्स इन लोकल करेंसीज. इस बीच ब्रिक्स अलायंस, जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे दुनिया की लीडिंग एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज शामिल हैं, इज वर्किंग टू क्रिएट इट्स ओन करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट्स. इज द ग्रीन बैक लूजिंग इट्स लस्टर? प्लीज कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपके मन में अभी भी इस इश्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन या सवाल आ रहा है तो उसको कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे.